प्रेजेंट हेयर आई एम वर्षा धीमान वेलकम टू माय क्लास कैसे हैं आप लोग हाँ जी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाँ जी आ गई हूँ आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है आज थोड़ा सा लेट हो गया है हाँ जी थोड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है हाँ जी हाँ थैंक यू सो मच रोशन हाँ आज मेरा बर्थडे है हाँ थैंक यू सो मच पहले हम आज बायोलॉजी की थ्योरी क्लास करेंगे जो हमारी एनिमल किंगडम की फाइलम्स बची हुई है उसमें से 3 फाइलम्स हम आज फिनिश करेंगे और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू करेंगे हाँ जी स्टूडेंट्स आज मैं यूट्यूब पर बोल रही हूँ हाँ मेरा बर्थडे आज ही है मान लो ठीक है डेली डेली का बोलने से अच्छा है आज इसको फिक्स ही कर लेते हैं अच्छा हाँ जी स्टूडेंट्स कैसे आप लोग क्या आप लोग रेडी हैं हाँ कल कुछ स्टूडेंट मेरे को बार के एग्जाम का भी पूछ रहे थे कि क्या ये बार के एग्जाम के लिए बार का जो यूडीसी एग्जाम है अभी आपका 21-22 को क्या ये उसके लिए भी सही है हाँ ये सेशन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ठीक है स्टूडेंट बार का जो एग्जाम होगा अभी आपका अपर डिविजन क्लर्क के लिए तो उसके लिए भी सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाँ जी थैंक यू सो मच आप लोगों के दुआएँ हैं आशीर्वाद है हाँ जी जय महाराष्ट्र जय महाकाल ठीक है जो भी आपके भगवान हैं जो भी आपके स्टेट हैं सबसे ऊपर मेरा हिंदुस्तान ठीक है क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बैच अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ बैच अभिमन्यु जो आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बैच अभिमन्यु ज्वाइन कर सकते हैं बैच अभिमन्यु का प्राइस है 1399 रुपीज़ और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको एसएससी की साइट पर मिल जाएगी और नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं साहिल मित्तल सर का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जिन भी स्टूडेंट ने CHSS का एग्जाम क्वालिफाई किया है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं हाँ जी और जो भी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साहिल सर का एक और बैच है ₹999 में तो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज हैं डाउट्स हैं आप इस नंबर पर कॉल करके और SSC ट्यूब की साइट विजिट करके आप पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स आज पहले हम बायोलॉजी का टॉपिक करेंगे इसमें हम किंगडम प्लांट किंगडम एनिमेलिया कर रहे हैं ठीक है किंगडम एनिमेलिया के अब तक हम 5 फाइलम्स कर चुके हैं तो जो भी स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया पढ़ना चाहते हैं उन्होंने अब तक की फाइलम्स को अटेंड नहीं किया तो मेरी प्रीवियस क्लासेस को पहले अटेंड करो प्रीवियस क्लासेस में आपको 5 फाइलम्स के बारे में सब कुछ और साथ में कैसे आप क्लासिफाई करते हैं ठीक है एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जीव जंतु हैं उनका आप कैसे वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी ताकि अब आप जो फ्यूचर जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना फर्दर जो फाइलम्स हैं उनके बारे में आपको ईजिली समझ में आ जाए उसके लिए आपका बेसिस जो भी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो समझना ज़रूरी होता है तो क्या आप लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए बताइए मुझे हाँ जी रोशन पासवान बताइए क्या रिक्वेस्ट है हाँ आप साउंड आपको क्लियर आ रही होगी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हाँ जी अब क्लियर है अब मैंने साउंड को चेक कर लिया है क्या आप क्लियर है हाँ जी आप फाइन है फाइट नहीं आप फाइन है क्या मेरी वॉइस अब आपका ऑडिबल है हाँ जी और जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइव देख रहे हैं वो साथ साथ में लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो क्लास को ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है पहले हम थियोरी क्लास करेंगे बायोलॉजी टॉपिक की किंगडम एनिमेलिया की आगे की 3 फाइलम्स के जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं देखिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ये कुछ विशेषताएं दी हुई हैं अर्थ्रोपोडा फाइलम की तो आप सेलेक्ट कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो सही हैं कौन कौन सी नहीं है तो उसके लिए आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना ज़रूरी होता है हाँ जी गुड मॉर्निंग हाँ जी क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको यस ठीक है हाँ जी
देखिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं, हंसते हंसते अच्छे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैसे देखने में एनिमल किंगडम थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो अगर आप कंफर्टेबली रहकर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, एनिमल किंगडम का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस किस बेसिस पे करते हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मैं थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ, पुराना थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपका, फिर उसके बाद हम आज का शुरू करेंगे। सिमेट्री के बेसिस पर, बॉडी कैविटी और सिलोम के बेसिस पर और फाइलम के बेसिस पर। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिमेट्री क्या है, क्या जो बॉडी है अगर उसको किसी सेंट्रल प्लेन से डिवाइड करेंगे तो क्या वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, अगर होगी तो क्या वो एक ही प्लेन में होगी या फिर मल्टीपल प्लेन्स में हो सकती है, तो उसे कहते हैं सिमेट्री के बेसिस पर बॉडी का डिवीजन। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी और सिलोम क्या प्रेजेंट है, कौन सी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अगर सिलोम मतलब आपके आउटर जो आपकी एक्टोडर्म है और जो आपकी इनर एंडोडर्म है उसके बीच में जो मीजोडर्म सेंटर में जो कैविटी है अगर वो ट्रू है, पूरी तरह से आपकी पॉसिबल है, तो उसको हम ट्रू सिलोमेट कहेंगे। ठीक है, अगर वो मीजोडर्म की बजाय मीजोग्लिया है, फिर मीजेनकाइमी है, तो उसको हम स्यूडोसिलोम्स कहेंगे, और सेंटर में कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, बॉडी वॉल्स और गट वॉल्स के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है तो उसको हम एसिलोमेट कहते हैं। तो ये सब मैं आपको बहुत ही डिटेल में करा चुकी हूँ। फाइलम में हम अब तक का, यहाँ तक आपका हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, इनके कितने आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, हम लोग ये सब कुछ फिनिश कर चुके हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस मैं हिंदी में ही देती हूँ, जो ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में भी देने की ज़रूरत है। अब जो कोई नाम है, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल फॉर्मूला है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, और हाँ जी, आप रोशन पासवान ऐसे करके मुझे सजेस्ट करते रहो। अब आपका आज का सेशन तो आप एडजस्ट कर लेना, कुछ ऑप्शंस आपके इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। कल से मैं दोनों को ही फिर इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, और जो भी मेरे क्लास को लाइव देखते हैं, साथ साथ में अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, साइंस बाय वर्षा। ठीक है, वहाँ पर अब तक के जितने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं, तो वहाँ पर आपको सभी इसके क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे विद आंसर की, साथ में मैंने आंसर को भी मार्क किया हुआ। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। हाँ जी शेखावत, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ। ठीक है, जितनी एक्सप्लेनेशन आपकी होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में ही मैंने कुछ ऑप्शंस को हिंदी में इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अब मैं उसको भी हिंदी में कर लूँगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साथ साथ में मुझे बोल दिया करो। देखो मैंने फर्स्ट डे यहाँ पर ऐड किया था कि एकाइनोडर्मेटा आपकी रेडियन और बायलेटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम में यही आता है, या फिर आता है कि ये पर्टिकुलर जो फाइलम का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है, इसके अंदर आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राउंड वॉर्म्स आते हैं, रिंग वॉर्म्स आते हैं, या फिर आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या फिर स्पाइनी, जिनके शरीर पर स्पाइनी मतलब कंटीले अपेंडेजेस होते हैं वो आते हैं, तो आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप फ्लैट वॉर्म्स लिखोगे, जिनका शरीर चपटा होता है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लैटीहेलमिंथस के अंदर। हाँ जी दीपक कुमार सिंह, आज पहले आपका थियोरी सेशन होगा बायोलॉजी का, जो हम कर रहे थे अब तक। ठीक है, अभी हम एनिमल किंगडम को करेंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, जो हमारे रूटीन में पहले कर रहा था, क्योंकि बेसिक भी ज़रूरी होता है। क्वेश्चंस आपके देखे, क्वेश्चंस के साथ साथ में थियोरीज को ऐड करते हुए चलती हूँ, लेकिन साथ साथ में आपका जो बेसिक है, जो क्वेश्चंस में छूट जाता है, वो मैं आपको थियोरी के माध्यम से साथ साथ में फिनिश कराते हुए चलूँगी। ठीक है, हाँ जी, आज आपकी पहली थियोरी होगी, खुश हो जाइए। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत, शाबाश। देखिए ये सब हो चुका है, देखिए ये आपके फिनिश हो चुके हैं। अगर आपने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी जाके देखिएगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा, इन सभी फाइलम्स को फिनिश कीजिएगा, और आज का हम ये तीन फाइलम्स को फिनिश करेंगे, और कल हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग भी अच्छे से रेडी होके आइएगा। ठीक है, अच्छे से खाना पीना खा के बैठिएगा, कल हमें इसको पूरे को फिनिश करना है। कल हमको जो थियोरी क्लास करनी है, हमको इन सभी फाइलम्स को और आपके कोर डेटा, ठीक है, ये वाली जो पांच क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, इन सब के फीचर्स को भी फिनिश करना है एक ही साथ। हाँ जी, देखिए इधर, इस देखिए फाइलम अर्थपोडा, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है पोडा का मतलब हम इतनी बार यूज कर चुके हैं। सूडोपोडा वर्ड आया था, पैरापोडास वर्ड आया था आपके एनालिडास के अंदर,
आर्थ्रोपोडास मीन्स लेग्स और अर्थो मीन्स जॉइंटेड। जिन ऑर्गेनिजम्स के जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड और जुड़े हुए होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स आपके अर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, हाँ जी मोनू, मेरी जो क्लासेस हैं वो फ्री हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपके अवेलेबल हैं, तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी इजीली साइंस क्लासेस बाय वर्षा मैम देख के पीछे से देख सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी क्लास पर ध्यान दीजिए, क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर, इसके अंदर आपके जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, ये आपकी एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी फाइलम है। माने कि जितने भी जीव जंतु जितने भी जानवर इस धरती पर प्रेजेंट है 80% जो है वो इसी फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक है, 80% इसी फाइलम के अंदर आते हैं। और देखो ओवर 1 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज को इस 1 मिलियन से भी ज़्यादा प्रजातियों को इस फाइलम के अंदर इंक्लूड किया गया है। इनकी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सिलोमेट होती है। अब आप ये मत पूछेगा कि इन तीनों टर्म्स के दोबारा से मतलब बताइए स्टूडेंट, इन तीनों टर्म्स के मतलब हम पीछे वाले फाइलम्स में बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको अब ये जो है इनबिल्ट आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन में टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि उसके अंदर तीनों जो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों प्रेजेंट होती है। सिलोमेट का मतलब होता है कि जो सेंटर में जो कैविटी प्रेजेंट होती है आपकी बॉडी वॉल के बीच में, जो बाहर शरीर के बाहर की भित्ति है और जो आपकी गट वॉल्स है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके बीच की जो भित्ति है उसके बीच में आपके जो कैविटी प्रेजेंट है जिसको मीजोडर्म कहते हैं। मीजोडर्म हिंदी में भी यही होगा और इंग्लिश में भी यही होगा, मीजोडर्म जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है और बीच में प्रेजेंट है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, देखिए अगला सवाल देखिए। हालांकि आपके जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, मतलब उनका बाहरी जो कंकाल बॉडी होती है वो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अर्थ्रोपोडास आपके इनवर्टिब्रेट्स होने के बावजूद भी इनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। और वो किस मटेरियल का प्रेजेंट है, वो काइटेनियस प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स हार्ड सख्त है, एक्सटर्नल शेल बाहर का जो ढांचा है वो अच्छी तरह से हार्ड है, सख्त है, इसलिए उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और वो किस चीज़ का बना होता है, वो काइटेनियस सब्सटेंस का बना होता है जो इसको मजबूती प्रोवाइड करता है और जो इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर पर आ जाओ, लेक्चर पर आ जाओ, गप्पे मत मारो, ठीक है, और साथ साथ में लेक्चर को लाइक भी करते चलो, शेयर भी करते चलो। ठीक है, हाँ जी, आपको समझ तभी आएगा, क्वेश्चन भी कराऊंगी, पहले आपका थियोरी सेशन है। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, आगे देखिए, इनके सेगमेंटेड बॉडीज होते हैं, माने कि इनका जो शरीर है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। इससे पहले हमने एनिलीडा की जब बात करी थी, अर्थवॉर्म की जब हमने बात करी थी, उनकी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सबसे ऊपर वाले सेगमेंट को प्रोस्टियम कहा जाता है, सबसे नीचे वाले साइड को प्राइकेरिडियम कहा जाता है। इनकी बॉडी भी इसी तरह से सेगमेंटेड होती है, तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड पार्ट, थोरेसिक पार्ट और नीचे एब्डोमेन पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से तीन सेगमेंट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, जो आपके घरों में भी पाया जाता है, कॉकरोच। कॉकरोच इसी फाइलम के अंदर आता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आपका इनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। ठीक है, अब इनका ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होने लग गया है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक सेकेंड, में साउंड का चेक करके आपको बताती हूँ कि आप
इनकी जो बॉडी है, मैंने आपको बताया, काइटेनियस सब्सटेंस से बनी होती है जो इनको हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी है, कॉकरोच है। ठीक है, कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही क्लास इंसेक्टा के अंदर, ठीक है, क्लास इंसेक्टा के अंदर फैमिली जो इसकी होती है, देखो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ, इसकी फैमिली होती है बेल्टिडी। ठीक है, इस फैमिली के अंदर आपका कॉकरोच आता है, और कॉकरोच की बॉडी जो होती है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है, आपका हेड रीजन, थोरेसिक रीजन और आपका एब्डोमेन रीजन। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में सेगमेंटेड होती है, और आपका कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है। पार्ट में नहीं होता है, थोरेसिक पार्ट से ऑपरेटेड होता है, तभी तो कॉकरोचेस जो होते हैं सर कटने के बाद भी एक हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। जो इनके अंदर गैंग्लियास प्रेजेंट होते हैं, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी आर्थ्रोपोडा के तीन जो मेन क्लासेस है उनके बारे में, पर मैं यहाँ पर पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के बारे में ये इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा, ये मेंशन नहीं है लेक्चर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो पूरा का पूरा सिर्फ स्लाइड्स पर बेस्ड रहते हैं उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वर्बली भी ऐड कर रही हूँ, तो वो इन पॉइंट्स को ऐड करते रहिएगा। कुछ स्टूडेंट एक दिन बोल रहे थे कि मैम आप स्लाइड से ही पढ़ाते हो, स्लाइड से उतना मैं लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए। ठीक है, स्लाइड्स में उतना ही मेंशन किया गया है जितना आपके लिए ज़रूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हैशटैग करके बोलते रहती हूँ बीच में, जिनको आप ऐड ऑन करते रहा करो। हाँ जी, अगला पॉइंट देखिए कि इनकी बॉडी, देखो ये मैं बता चुकी हूँ, इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, माने कि जो ब्लड वेसल्स है वो अभी पूरी तरह से नहीं डिफरेंशिएटेड हुए हैं। ठीक है, थीके? जो भी वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है वो इनके अंदर डेवलप नहीं हुआ है, तो ब्लड जो है इनका ओपनली सर्कुलेट होता है। आगे क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने के लिए इनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अगर वो पानी में रह रहे हैं तो गिल्स के थ्रू सांस लेंगे, अगर वो लैंड पर रह रहे हैं तो बुक लंग्स प्रेजेंट है, बुक गिल्स प्रेजेंट है, और ट्रैकियल सिस्टम है। ठीक है, इनके अंदर अब एडवांस क्या गया, ट्रैकियल सिस्टम भी डेवलप हो गया जिसकी हेल्प से रेस्पायर करते हैं, ये सांस लेते हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बहुत ही आराम से, ठीक है, तरीके से मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो साथ साथ में नोट करते रहेगा। और साइंस आपको बायो तभी समझ में आएगी जब आपकी इमेजिनेशन, काल्पनिक जो शक्ति है वो स्ट्रोंग होगी। ठीक है, बायो का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा यही है कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉकरोच को इमेजिन करो, ठीक है, और फिर इन पॉइंट्स को जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान में रखो। अगला देखिए आपका पॉइंट क्या है, प्रेजेंट होते हैं, हाँ भाई प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, एंटीना की हेल्प से सेंस करते हैं। आईज प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सिंपल आईज भी प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट होते हैं, मोजैक आईज जिनको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एंट्स का एग्जाम्पल दिया था, तब मैंने बताया था, इसी की वजह से ये 360 डिग्री तक देख पाते हैं, पीछे का भी देख पाते हैं। हाँ जी प्लीज, क्या आप एक बार बता दीजिए, वो मैं नहीं रीड कर पाई, पूछो क्या बताना है। साउंड अब क्लियर आ रहा है आपको, साउंड, अब साउंड में कोई इशू नहीं होगा स्टूडेंट। हाँ जी, साउंड में अब आपका कोई इशू नहीं आएगा, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास साउंड आएगा। ठीक है, हाँ, इनके अपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो अभी तक डेवलप नहीं हुए, अब आपकी साउंड बिल्कुल क्लियर आएगी। हाँ जी सरित पवार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एनटीपीसी का एग्जाम दे के आइएगा, क्वेश्चंस जो हैं अगर यहाँ से आए हैं तो भी बताइएगा, और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो पूछिएगा। ठीक है, अब भी कट रहा है साउंड, अब वॉइस क्लियर है, अब नहीं कट रहा है साउंड। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, हीमोलिम्फ इनके अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ जी, जो ब्लड इनके अंदर पिगमेंट ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर रेड ब्लड वैसे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आयरन पिगमेंट है और साथ में लिम्फ है, कलरलेस लिक्विड। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, ठीक है, चलो अब साउंड क्लियर है, अच्छी बात है। हाँ जी रोशन पासवान, अब साउंड क्लियर आ रही है, डाउट्स तो आपकी लाइव क्लास में ही क्लियर हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, एक्सक्रीशन सिस्टम, मैल्फिजिनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इनके अंदर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था नेफ्रिडिया प्रेजेंट है इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, माने कि जो वेस्ट है, जो खराब है, जिसके इनके शरीर की जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए मैल्फिजियन ट्यूब
ये भी आपके डायशियस होते हैं, माने कि मेल और फीमेल बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, इनको हम और क्या बोलते हैं, ये आपके डायशियस है, दोनों अलग अलग प्रेजेंट हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर यूजुअली इंटरनल होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर ही आपका मेल गैमेट जाता है और वहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट ज़्यादातर इनका ओविपेरस होता है, मीन से एग्स ले करते हैं, ठीक है, एग्स ले करते हैं और फिर उससे फिर इनके बाद इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इनका होता है। और जो इनके एग्स होते हैं वो जेली लाइक स्ट्रक्चर के, जेली लाइक एग होते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स के ऊपर जेली लाइक एग ले करते हैं, वाटर के ऊपर ये एग्स ले करते हैं और उससे इनका न्यू बॉर्न जो बेबी है वो बनता है। आगे देखिए, ज़्यादातर ये कोल्ड ब्लडेड या फिर एक्टोथर्मिक होते हैं। देखो एक्टो मतलब आउटर, ठीक है, एक्टोडर्म की हम बात करते हैं, थर्म इज हीट, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, माने कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे हम वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। जो आपके एम्फीबियंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। आगे देखिए, ये ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो सांस में जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो अपने स्किन के ऊपर, स्किन से, अगर वो लैंड पर रह रहे हैं तो स्किन से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर गिल्स, अगर वो वाटर के अंदर रह रहे हैं तो गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं, बुक गिल्स, आपके लंग्स, बुक लंग्स और जो आपके ट्रैकियर सिस्टम है उसी की हेल्प से ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, साथ में पहले मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, यहाँ पे स्लाइड्स में इंक्लूड किया है आपके रेफरेंस के लिए बस, ठीक है, कॉकरोच पे मैंने आपको बता दिया है जितना इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर मेनली हम तीन क्लासेस को स्टडी करते हैं, इंसेक्टा, आर्किनेडिया और क्रस्टेरिया, ठीक है, क्रस्टिनेशिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्लास की बात करते हैं आर्किनिड्स की। आर्किनिड्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके स्पाइडर्स हैं, हार्वेस्ट मैन, मिट्स, माइट्स, टिक्स और अदर जो है वो आपके इसके अंदर आते हैं। क्रस्टेशियंस के अंदर आपके क्रैब्स, लोबस्टर्स, क्रेफिश और श्रिम्स आते हैं जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और इनके पास भी टू पेयर ऑफ एंटीनाज होते हैं। नेक्स्ट आपका इंसेक्टा जो हेक्सापोडा होते हैं, माने इनके सिक्स लेग्स होते हैं, ठीक है, सिक्स लेग्स वाले क्रिएचर होते हैं और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर सबसे बड़ी क्लास है। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं वो इसी क्लास के अंदर आता है। इवन तो आपके जो बटरफ्लाइज हैं, जो आपके मोथ हैं और जो आपके हनी बीज हैं और साथ साथ में जो मैंने आपको कॉकरोचेज बताया, वो इसी क्लास इंसेक्टा की ही अलग अलग ऑर्डर के अंदर इन सबको हम पढ़ते हैं, ठीक है। लैपिडोप्टेरा के अंदर हम आपके हाउस बटरफ्लाइज को पढ़ते हैं, ऑर्डर बैल्टिडी के अंदर हम आपके कॉकरोचेस को पढ़ते हैं। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्डर होते हैं वो मैं आपको दो बता दी, ये दोनों आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। बैल्टिडी आप ज़्यादा अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके मॉस्किटोज हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर वैक्टर होते हैं, ज़्यादातर डिजीज के लिए वैक्टर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। और इसके मेन जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, देखो मैंने डायग्राम भी इंक्लूड किया है आपके लिए, वह डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, आपका ये लॉकस्ट है, बटरफ्लाई है, साथ में स्कॉर्पियन और प्रॉन्स, ठीक है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, देखो इनके जो लेग्स हैं अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके बटरफ्लाइज हैं जो आपका ऑर्डर इंसेक्टा के अंदर आता है, लोकस्ट है, प्रॉन्स है, स्कॉर्पियंस है, तो और इनकी बॉडी जो होती है किस तरह से सेगमेंटेड होती है, देखिए ये इनका हेड पार्ट है, ये इनका थोरेसिक पार्ट है, ये इनका एब्डोमेन पार्ट है। बॉडी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, हेड, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए कि जो सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो आर्थ्रोपोड जो लैंड पर रहता है, जिसकी हाइट कुछ 1 मीटर तक है, 3 फीट तक है, वो है कोकोनट क्रैब्स, ठीक है। कोकोनट जो क्रैब्स हैं, जो आपके कोकोनट के जो केकड़े हैं, वो सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स, लिविंग आर्थ्रोपोड्स हैं आपके लैंड पर जो रहते हैं। नाउ ये फाइलम में जितना इंपॉर्टेंट था वो मैं फिनिश करा चुकी हूँ। हाँ, साथ में आप हीमोलिम्फ भी कह लीजिए कि जो आपका ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विड प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, वो हीमोलिम्फ प्रेजेंट होते हैं। तो आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके मेन फीचर्स क्या क्या है, ट्रैकियर सिस्टम, मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स,
एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस जॉइंटेड अपेंडेजेस और साथ में आपका ये हीमोलिम्फ, इन सब पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा। और आपका जो कॉकरोच होता है उसके अंदर 13 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर जो गैंग्लिया जो आपके नर्वस सिस्टम के ट्यूब्यूल्स होते हैं वो उसके हेड रीजन में प्रेजेंट नहीं होते, उसके थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है, सिर के कटने के बाद भी एक हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको साथ में एक बार हैशटैग करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ पर आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा फिनिश होता है। अब हम आपका फाइलम जो है सेकेंड फाइलम, नेक्स्ट फाइलम, फाइलम मोलस्का। ठीक है, मोलस्का फाइलम को हम फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब आपको बिल्कुल सही वॉइस आएगी, आपको इशू नहीं होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी अमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हाँ जी, हीट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए स्टूडेंट रोशन, ये आपके वार्म ब्लडेड एक्टोडर्म्स होते हैं, मतलब ये आपने अपने बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम आपके वार्म ब्लडेड हैं, ये आपके कोल्ड ब्लडेड हैं, और ये जो होते हैं अपने बॉडी को इससे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं अपने आप ही। ठीक है, हम यहाँ से वहाँ मूव कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जो भी स्टूडेंट सेशन को लाइव देख रहे हैं साथ साथ में लाइक करते चलो और शेयर भी करते चलो। नेक्स्ट आपके फाइलम है मोलस्का। मोलस्का फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पर रहते हैं या फिर एक्वेटिक पानी में रहते हैं। ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ओपन सर्कुलेटरी आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनके अंदर ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये भी आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। ये सभी पॉइंट्स इन सब में क्लियर हैं। ठीक है, इनके अंदर अब उनमें मेलफिजिनिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे एक्सक्रीशन के लिए, अभी उनसे थोड़ा सा और डेवलप हो गए। इनके अंदर किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गुर्दे होते हैं उसी तरह के ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ही अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल पाते हैं। इनके हेड रीजन में, एंटीरियर रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर टू एंटीनास प्रेजेंट थे, यहाँ पर इनके टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके माउथ पार्ट के अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होते हैं। देखो ऑर्गन खाने को अंदर लेने के लिए, रेस्पिंग करने के लिए रेड्यूला प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक दूसरे से वार्तालाप अगर आपका फिनिश हो चुका है तो आप लेक्चर पर ध्यान दे लीजिए। हाँ जी, मोलस्का आपका सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बाहर की आउटर कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। हाँ, मैं साथ साथ में वो भी इंक्लूड कर रही हूँ। अमन आते ही मतलब एग्जाम्पल्स की धुआंधार बरसात कर दिया इस चीज़ के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं फ्रॉग नहीं आते, फ्रॉग हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके अंदर क्लासेस कराऊंगी। फ्रॉग इसके अंदर नहीं आते हैं रोशन। ठीक है, फ्रॉग आपके काफ़ी एडवांस्ड है, जो आपके कॉर्डेटा आपके फाइलम है उसके अंदर जब मैं आपको क्लासेस रेप्टीलिया, एम्फीबिया, फिशेस, एव्स, मेमेलिया कराऊंगी तब मैं आपको फ्रॉग कराऊंगी। ठीक है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय वर्षा से मिलेगा। साथ साथ में सेक्शन को लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो। इधर देखो, ये भी आपके डैशियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग बॉडी के अंदर होते हैं, अलग अलग इनके गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ज़्यादातर ये भी आपके ओवीपेरस होते हैं, माने कि एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडा देते हैं, और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मीन्स पहले आपका
फिटस एम्ब्रियो से लार्वी स्टेज बनती है, देन आपका अडल्ट फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ जी, आगे देखिए। सॉफ्ट बॉडी होती है मोलस्का का मतलब ये है। हाँ जी, क्यों नहीं हुआ आज आपका एग्जाम स्टूडेंट? क्या दिक्कत हो गई? किस चीज का एग्जाम था बता दीजिए, हमारा भी कैंसिल हो रहा है तो हमें भी पता लग जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी होते हैं, आज नहीं हुआ कल तो होगा ही, कुछ दिन के बाद होगा, तो तैयारी नहीं छोड़ के बैठना है, पढ़ते रहना है, क्वेश्चन करेंगे दीपक सिंह। ये थोड़ा सा पार्ट रहता है आपका थियोरी का, इसको फिनिश कर लो। जो भी क्वेश्चंस के लिए जितना ज्यादा एक्टिव है ना, मैं आवाज नाम ले लेकर उन्हीं से सबसे पहले क्वेश्चंस पूछूंगी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ जी, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, ये फॉल्स फिश है। ऑक्टोपस के बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड किया था, बट आपको चैन नहीं है, आप ये चाहते हो कि पहले आपके सारे पॉइंट साथ साथ में क्लियर होते जाएं। इधर देखिए, देखो एक सीक्वेंस में पढ़ना है। सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बाहर प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो सॉफ्ट बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहता है एनवायरनमेंट से, वो एक कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है, विद अ डिस्टिंक्ट हेड रीजन, तो इनके जो प्रेजेंट होता है मस्कुलर फूड प्रेजेंट होते हैं और विसरल हम्प प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी अभी बनाकर दिखाऊंगी। इनके बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट है उसमें मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसका ये यूज करते हैं यहाँ से वहाँ लोकोमोट करने के लिए, चलने फिरने के लिए। ये आपका वेंट्रल पार्ट में जो मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है उसका यूज करते हैं ज्यादातर। देखो इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट और स्पंजी होती है, किससे बनी होती है? मेंटल से बनी होती है, ओवर द विसरल हम, जो इनके डोर्सल पार्ट में विसरल हम प्रेजेंट होता है। देखिए फाइलम मोलस्का से रिलेटेड अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ गए आपके, रेडुला प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपके किडनी लाइक या आपकी सॉफ्ट बॉडी होती है, कैलक्यूलस लेयर होती है और मेंटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो भी फाइलम मोलस्का के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है, इज लिमिटेड टू द पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, लेकिन जो आपका इनकी बॉडी कैविटी और सिलोम प्रेजेंट होता है, इनकी पेरिकार्डियल जो भी इनका हार्ट वाला रीजन है, मतलब जो सर्कुलेटरी पार्ट है वहीं तक ही सीमित होता है, या फिर इनके गोनार्ड्स के ल्यूमेन तक, ठीक है, जो भी इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं तक ही सीमित होता है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट साथ साथ में। अच्छा चलो, अच्छी बात है सरित पवार, ये तो काफी अच्छी न्यूज है कि कुछ पढ़ा आपके लिए एग्जाम में, सब कुछ पढ़ा हुआ आया था, वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं स्टूडेंट्स? सी बटरफ्लाइज, एक्वेटिक एनिमल में सी बटरफ्लाई, स्नेल्स, स्लग्स, आपके ऑक्टोपस, ठीक है, ये सभी इसी आपके फाइलम मोलस्का के अंदर आते हैं। और जो मेन इसका इंपॉर्टेंट क्लास है इस फाइलम के अंदर, देखिए मैं आपको पूरा डिवीजन करा चुकी हूँ। देखिए पहले आपके किंगडम होते हैं, देन फाइलम होते हैं, देन आपके क्लासेस होते हैं, देन आपकी फैमिली होते हैं, देन आपके ऑर्डर होते हैं, देन आपके जीनस, देन आपके स्पीशीज। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम मोलस्का, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्लास है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा क्लास के अंदर जो आपके सी बटरफ्लाई, सी स्लग्स आते हैं, वो यहाँ पर उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके ज्यादातर सी रीजन में पाए जाते हैं, ये भी आपके पैलेटल सिमेट्रिकल होते हैं। देखिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टोर्शियन के नाम से। देखो वो चीज को मैं एक सेकेंड दूसरे पेन से हाईलाइट करती हूँ। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं पहले वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है, फिर ड्यू टू द टॉर्शियन द बॉडी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैव बिकम एसिमेट्रिकल। ठीक है, लार्वी स्टेज पर ही पहले वो आपका क्या शो कर रहे थे, मतलब असिमेट्रिकल बॉडी शो कर रहे थे, देन उनके अंदर टॉर्शियन इन्वॉल्व, टॉर्शियन हुआ, वेसल हम्स, द टू फुट रिट्रैक्टर मसल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहले उन्होंने जो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी वो एसिमेट्रिकल थी, ठीक है, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हुई उनकी हम्प के अंदर, उनकी जो शेल के अंदर, तो शेल के अंदर जैसे वो मुड़ तुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, उस हिसाब से उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ और उन्होंने बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लिया। हाँ जी मेंटल, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए
तो इस तरह से इनके अंदर बायलेटरल और एसिमेट्रिक के अंदर स्विच भी होता है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को टॉर्शियन कहा जाता है, मतलब मरोड़, ये अपने आप को मोड़ लेते हैं शेल के अंदर अपने आप को अरेंज करने के लिए जिस सेल के अंदर रह रहे हैं। हाँ, टॉर्शियन, ठीक है। मेंटल कैविटी एंड द एनस टू द साइड एंड ओवर द हेड रीजन, तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। आप इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है फिर, ठीक है। हेड रीजन, देखिए इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस शेल के अंदर, इस कैल्क्रियस शेल के अंदर अपने आप को फिट करने के लिए, ताकि ये अपने आप को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सके, ये इस तरह से टॉर्सिंग, ठीक है, अपनी बॉडी को इस तरह से मोड़ लेते हैं। और लार्वी स्टेज में ये आपके असिमेट्रिकल होते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी, ये आपका इस तरह से पूरा इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर अरेंज, मतलब उनका हेड पार्ट और उनका जो फीट पार्ट है, ठीक है, वो एक ही बॉडी के अंदर अरेंज, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, टॉर्शियन, ठीक है, टॉर्सिंग या टॉर्शियन, देखिए टॉर्शियन है, ड्यू टू टॉर्शियन की वजह से, मुड़ने की वजह से इनकी बॉडी जो है पहले लार्वल स्टेज में असिमेट्रिकल होती है और बाद में वो बायलेटरल सिमेट्री। तो ये जो फिनोमिना इनके अंदर होता है इसको हम टॉर्शियन कहते हैं। हाँ जी, आपका जो ये बैच है ये पेड नहीं है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अवेलेबल है जनरल साइंस सब्जेक्ट के, और साथ में अभी थोड़ा सा सब्र करो, बस एक एकाइनोडर्मेटा की भी इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद आपका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ में लेक्चर को लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो। हाँ जी, कहाँ नहीं चले गए थे, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कोई भी इशू हो सकता है ना, कोई भगवान थोड़ी ना है यहाँ पर। इधर देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका यहाँ पर देखिए, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एग्जांपल मैंने ऑक्टोपस के साथ एक चीज ऐड की है, ऑक्टोपस को हम फॉल्स फिश कहते हैं, मतलब अभी तक उसके अंदर फिश वाले फीचर्स आए नहीं है। फिश के बारे में हम कॉर्डेटा फाइलम के पाइसिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, मेन जो क्लास है उसके अंदर पढ़ते हैं। अभी तक इसमें आया नहीं है पूरा फिश फीचर्स, लेकिन ऑक्टोपस कुछ फीचर्स जो है वो फिश की तरह ही रिजेंबल करता है, इसलिए उसको फॉल्स फिश भी कहा जाता है। इसके 8 लैग्स होते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो हेड होता है बल्बुलस हेड होता है, और इसमें क्या होता है, इसका जो ब्लड होता है ब्लू ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लू ब्लड। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग, रक्त का जो रंग है वो नीला किस वजह से होता है, कॉपर रिच प्रोटीन की वजह से, जिसको हम
हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोसाइनिन जो कॉपर रिच प्रोटीन प्रेजेंट होती है ऑक्टोपस के अंदर, उसी की वजह से उसका जो ब्लड है ब्लू होता है। स्टूडेंट इस चीज़ को आप लिखते रहिए साथ साथ में। हाँ जी हाँ सचिन कुमार, हाँ बहुत सही, ठीक है ठीक है। आईबी के लिए प्रिपरेशन हो सकता है, एग्जाम आपका आईबी का आ ही चुका है, ठीक है। आप प्रिपरेशन कीजिए साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शुरू बिल्कुल शुरू से शुरू होने करने का वक्त नहीं है, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी आपका क्वेश्चन सेशन होगा, उसको आप इंटरेस्टिंगली अच्छे से सुनो, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ हाँ इधर देखिए आपका क्या है। हाँ जी डेली आपकी क्लास होती है 11:15 बजे, ठीक है। पॉइंट पर आते हैं, डेली आपकी क्लास होती है 11:15 बजे, ठीक है। पहले हम थियोरी क्लास करते हैं और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो यहाँ पे आपका वार्म अप हो रहा है आपके क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए, तो ध्यान से पढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यहाँ से आते हैं और मेरे जो ऑब्जेक्टिव सेशन में भी इंक्लूडेड होते हैं, और अगर आप लोगों ने उनके आंसर नहीं दिए ना तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये आपका फिनिश हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम, ठीक है। ये आज के क्लास का लास्ट फाइलम है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है। ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको इस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए बोला था, बोल दिया था कि क्वेश्चंस का लेवल हम थोड़ा सा हाई करेंगे। अब बहुत दिन हो गया हल्के हल्के क्वेश्चंस को लेने में, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है। एकाइनोस, ठीक है, आपका जो एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, ठीक है, जो हमारी त्वचा होती है स्किन, और एकाइनो का मतलब होता है हेजहॉग या फिर स्पाइनी स्किन, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो कंटीली होती है, ठीक है, उसमें कांटेदार स्किन होती है, इनकी चमड़ी होती है। इनका जो एंडोस्केलेटन है, अब तक हम एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे थे, बाहर वाले स्केलेटन की बात की ना हमने पीछे वाले दो फाइलम्स में, इसमें हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं। जो इनका अंदर वाला स्केलेटन है वो कैल्केरियस ओशिकल्स का बना होता है, माने कि कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर से बना होता है। देखिए स्टूडेंट वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, वेरिएशंस आ रही हैं। अब तक हम एक्सोस्केलेटन की बात कर रहे थे, अब हम एंडोस्केलेटन की तरफ मूव कर चुके हैं। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको उसको हाईलाइट कर करके बता रही हूँ, और जब मैं खुद के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज लेके आऊंगी तो मैं क्वेश्चंस यहाँ से इंक्लूड करूंगी। तो प्लीज सेशन को ध्यान से सुना करो, ध्यान से चीजें लिखा करो, ठीक है। आगे देखिए, ज्यादातर ये आपके मरीन एनिमल्स होते हैं, माने कि पानी में रहते हैं, या आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, या आपके सिलोमिक होते हैं, सब कुछ अच्छे से बता दिया है। और वही जो पहले टेबल के अंदर ये दिया हुआ था, ये आपके रेडियल सिमेट्री को भी एग्जिबिट करते हैं और साथ साथ में आपके बायलेटरल सिमेट्री को भी एग्जिबिट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अडल्ट एकाइनोडर्मेटा आपके रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, और जो आपके लार्वी है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, ठीक है। इन सब के शब्दों के अर्थ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। बायलेटरल का मतलब है द्विपक्षीय रूप में समानता, और रेडियल का मतलब होता है कि हर पक्ष में आप उसको दो समान भागों में बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपना अगला सवाल देखिए, डाइजेशन सिस्टम इनका पूरी तरह से डेवलप हो गया है, अब इनके अंदर पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है, बट ध्यान दीजिएगा इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ये डायरेक्ट इनकी बॉडी पर जो स्किन के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो भी इनके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, ये भी आपके डाइशियस होते हैं, इनका भी जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल होता है, और ये रीजनरेशन की भी पावर रखते हैं। माने कि अगर इनका बॉडी पार्ट कहीं, इनके ऐसे स्पाइंस वाली बॉडी तो होती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वहां से दोबारा से ये रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ, स्टार फिश। स्टार फिश आपका जो ऑर्गेनिज्म है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश अडल्ट जो स्टार फिश है जिसको हम सी स्टार्स भी बोलते हैं, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, स्टार शेप्ड ऑर्गेनिज्म, और वो आपका एस्ट्रेडी ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी है रीजनरेट करने की, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया गया है कि क्योंकि इसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, तो जो एक्सेप्शन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है वो आपकी स्टार फिश है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन सा एकाइनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल है, जिसके जो रीजनरेशन की पावर मतलब उत्थान की जो क्षमता है वो शो कर रहा है, स्टारफिश आ जाएगा आपका, और जो अदर एग्जाम्पल्स होते हैं आपके सी सीली आ जाएगा, एकाइनस आ जाएगा, सी अर्चिन आ जाएगा, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, आप इसका स्टारफिश आंसर लगाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होता है। आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ पे आ गए, मतलब ये जो अपने एग्स ले करेंगे या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा एग्स ले करेंगे, ये उस पे वाटर बॉडी पे पानी के सरफेस पे ले करेंगे, ये जाकर आपके मरीन है, एक्वेटिक है। ठीक है, क्या रिपीट करना है शशिकांत बताइए। हाँ जी, वाओ बिहारी बाबू, आप पोरीफेरा के बारे में आप पूछ रहे हैं मुझसे। पोरीफेरा जो है आपका, मैंने फर्स्ट क्लास में जब मैंने एनिमल किंगडम को शुरू किया था, मैं आपको फिनिश करा चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस को भी देखें। एकाइनोडर्माटा के एग्जांपल है स्टारफिश और ब्रिटल स्टारफिश। हाँ जी, यहाँ पर स्टारफिश के इंपॉर्टेंट फीचर है, ये रीजनरेट करने की पावर रखते हैं, इस चीज़ को आप इंक्लूड कीजिएगा इस चीज़ के अंदर। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। साथ साथ में उन क्वेश्चंस को आप मुझे भी बताते रहा करो कि कौन कौन से चीजें आई थे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ क्या क्वेश्चन है शशिकांत, आप क्वेश्चन पूछिए। अभी आप क्वेश्चन पूछो 5 मिनट तक, फिर मेरी टर्न आएगी क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही हेडिंग हम कर रहे हैं, फिर आपका क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो सेशन को लाइक भी करो स्टूडेंट साथ साथ में, और साथ साथ में आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, अपने दोस्तों का भी भला करो थोड़ा सा। इधर देखिए, ये आपके इनडायरेक्ट होते हैं, इसके एग्जाम्पल है सी अर्चिन, एकाइनस, एस्कुलेंटस, सी स्टार, आर्क्यूरे, प्रोटोस्टर, नोडस और सी लिली, सी कुकुम्बर और ब्रिटल स्टार। देखिए ब्रिटल स्टार यहाँ लिखा है, इसका एग्जाम्पल है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, ये आपका रीजनरेशन को शो कर रहा है, एस्ट्रेटिस जिसको हम बोलते हैं। देखो एस्ट्रेस्टिक हम आपके स्क्रीन पर भी, ये जो साइन हम बनाते हैं स्टार का, ठीक है, ये इसी से आया है, ये एस्ट्रेडी फैमिली से बिलोंग करता है, वहाँ से ही आया है ये नाम। ठीक है, हर एक शब्द का कुछ ना कहीं से कुछ कॉमन ऑप्शन होता है, वो यहाँ पर है। ठीक है, फिनिश हो गया आपका, कोई डाउट है पूछ लीजिए, अब तक की क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। क्या नहीं समझ आ रहा शशिकांत ओझा आपको आप लिख कर बताइए, मैं उसको भी क्लियर करती हूँ। स्टूडेंट कल थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ पहले। जो आपके क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के जैसे, उनके अंदर भी 4 chambered हार्ट होता है, मतलब उनका जो हृदय होता है वो 4 chambered में विभाजित होता है। अदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं एम्फीबियंस के अंदर, जो भी रेप्टाइल है, जो हम क्लास करेंगे कल, हम इसको फिनिश करेंगे, ये जो क्लासेस होती हैं आपके कॉर्डेटा फाइलम के अंदर। देखिए जो ये शब्द हैं, इनको आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, ये सेम ही होंगे, किसी का नाम हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम ही होता है, तो वहां पर आप डाउट मत खाया करो। ठीक है, क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने आपके अदर एम्फीबिया और रेप्टाइल के अंदर आते हैं, उनके 3 chambered हार्ट होते हैं, उनके हृदय में 3 chambers होते हैं, क्रोकोडाइल्स के ह्यूमंस के जैसे 4 chambered ही होते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ जी, हेलो, क्या आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हैं? देखिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन से प्रोटीन की कमी हो रही है? ठीक है, प्रोटीन्स की कमी, कौन से प्रोटीन की कमी हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे आपका क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, वेलकम टू योर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉलीमर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पेंस, गैर चिपचिपे पेन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाला बहुलक कौन सा है? क्या वो टेफ्लोन है, क्या वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथ्रीन्स है, क्या वो आपका पॉलीप्रोपिलीन है, क्या वो आपका नाइलोन है? साथ साथ में इनके मोनोमर्स क्या है, मतलब ये जो बहुलक है वो किस चीज से बने हुए हैं, साथ साथ में आप मुझे ये भी बताते रहिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, टेफ्लोन है। हाँ जी, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, दो आंसर्स आ गए हैं आपके। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी कौन कौन सी डिजीज होती है, ऑप्शंस में आपके क्या क्या आए हुए थे? हाँ जी, ग्रुप डी। हाँ जी, अब आपके मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहले मैंने आपको ग्रुप डी में जितने भी सवाल आए हुए थे ना आपके, पहले मैं आपको वो सब फिनिश करा चुकी हूँ। हद दिनों से आपकी ये क्लासेस चल रही हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं है, तो आपके जो ग्रुप डी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट और साइंस के हैं, वो मैं ऑलमोस्ट फिनिश करा चुकी हूँ। अभी हमने दूसरा सेशन शुरू किया है। बताइए पॉलीमर्स क्या होते हैं,
इनमें से कौन सा है जो आपका नॉन स्टिकी पैंस को बनाने के इस्तेमाल में आता है? ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हुई ना बात, हाँ अब अच्छा लग रहा है, आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो, साथ साथ में लेक्चर को लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका टेफ्लोन। ठीक है, टेफ्लोन आपका पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन है, ठीक है, और ये आपका नॉन स्टिकी पैंस को बनाने के इस्तेमाल में आता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जो आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथरीन है, ये इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पावर होती है, बट ये आपका यूटेंसिल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, वो साथ साथ में नोट भी करते रहो। ठीक है, ये आपका यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, बर्तनों को बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, इसकी हाई ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, ये भी आपका अदर आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीप्रोपाइलीन आपका पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आपका नाइलॉन जो है वो क्लोथ्स कपड़े, ठीक है, जो हम वियर करते हैं नाइलॉन क्लोथ्स, उसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। फटाफट से जल्दी जल्दी से, हाँ, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वासिकोर डिजीज होती है, और आपके ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन जो है, क्या आपको दो प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज दी हुई है या फिर एक ही दी हुई है, ठीक है, उस चीज पर भी डिपेंड करता है। हाँ जी, ये आपका मोनोमर, वेरी गुड, इसकी मोनोमर होती है टेट्राफ्लोरो इथाइलीन, और उससे मिलकर आपका टेफ्लोन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला सवाल देखिए। हाँ जी, ऐसे एक्टिवली आप क्वेश्चंस के आंसर दे दिएगा साथ साथ में। हाँ जी, राम राम, हाँ जी, जय श्री कृष्णा, राम राम। देखिए, हाँ इधर देखिए, द ऑर्गन्स विच शोज डिस्टिंक्शन इन वेरियस फंक्शंस बट देयर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इज सिमिलर। वे अंग जो विभिन्न क्रियाओं में भेद दिखाते लेकिन उनकी जो संरचना होती है और जैविक जो विकास होता है वो समान होता है, ऐसे ऑर्गन्स को, ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल अंग माने कि वृक्षण अंग, ठीक है, एनालोगस अंग माने कि अनुरूप अंग, होमोलोगस माने कि समरूप समरूप अंग, और फॉसिल माने कि जीवाश्म। ठीक है, इनमें से बताइए कौन सा आपका ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, वेरी गुड, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वासिकोर, हाँ हाँ बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राम, सवाल का जवाब भी दीजिए साथ साथ में, और आप लेक्चर को लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो। ठीक है, आज का टारगेट अचीव करो, बहुत ही पीछे हैं, आज का टारगेट अचीव करो स्टूडेंट। हाँ जी, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आप लेकर आओ जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं बताओ? साइटोलॉजी कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका होमोलोगस ऑर्गन्स। अदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी डेफिनेशन देखिए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, वो अंग जिनका हमारे शरीर में अब कोई फंक्शन नहीं है, कोई कार्य वो नहीं कर रहे, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर रूडिमेंट्री ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अपेंडिक्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नीचे आपका पार्ट है अपेंडिक्स, उसका अभी भी हमारे शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अब हमने घास फूस खाना छोड़ दिया है। ठीक है, ह्यूमन जो आपकी प्रजाति है उनके अंदर अपेंडिक्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारे जो विजडम टीथ है, अकल दाढ़ जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। आगे देखिए, एनालोगस ऑर्गन्स वो होते हैं, ये आपके अनुरूप अंग वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है, मतलब जो भारी ढांचा है और जैविक विकास है, वो तो अलग अलग है, लेकिन जो वो कार्य कर रहे हैं वो एक जैसे कार्य कर रहे हैं, उनको हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन की तो डेफिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी ही हुई है। फॉसिल्स क्या है? जो आपके जीवाश्म, मतलब जो भी लिविंग किसी से रिलेटेबल, जो कनेक्टिंग लिंक की फॉर्म में जो प्रेजेंट्स हैं वो आपके फॉसिल्स होते हैं। आगे आपको समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगले सवाल का जवाब आप दीजिए। अगला सवाल है आपका, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ BCG? पहले आप मुझे BCG की फुल फॉर्म बताएंगे, BCG की फुल फॉर्म क्या होती है,
फिर आप मुझे ये बताएंगे कि BCG का आविष्कार किसने किया था, फिर आप मुझे बताइए कि BCG के आविष्कारक के अलावा जो अदर तीन हैं, अदर जो तीन हैं, उन्होंने किस किस चीज़ का आविष्कार किया था और वो कौन कौन से फील्ड से रिलेटेड है, संबंधित है, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, जय महाकाल, हाँ हाँ, जय काली माता जी, जो भी आपको याद आए भगवान, आप सबका नाम लेते रहो, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताते रहो, यहाँ पर रहो, ठीक है, भटको मत। इंसान को सपने क्यों आते हैं, इंसान को सपने क्यों आते हैं, इस सवाल का जवाब भी बताओ स्टूडेंट्स, क्यों आते हैं इंसान को सपने। ग्रुप डी के एग्जाम कब से, ग्रुप डी के एग्जाम नहीं अमन, इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया है। BCG की फुल फॉर्म आप बता दोगे मुझे तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। BCG की फुल फॉर्म के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर है। एडवर्ड जेनर किस चीज से, कौन सी बीमारी के साथ संबंधित है एडवर्ड जेनर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडवर्ड जेनर नहीं है, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट कर दिया, चलो मैंने आप लोग को थोड़ा हेल्प कर दिया। अब आप मुझे बताओ एडवर्ड जेनर किस चीज से, कौन सी बीमारी के साथ रिलेटेड है, और BCG का इन्वेंशन किन्ने किया था, BCG की फुल फॉर्म क्या है, साथ साथ में ये भी बताओ। हाँ हाँ, देखो नाम के अंदर ही आ गया उनका नाम। एक ने आंसर सही बता दिया, वहीं से सब लोग कॉपी मार लो, बैसिलस कैल्मेटे ग्यूरिन, ठीक है। तो बैसिलस कैल्मेटे ग्यूरिन जो है ये इस बीमारी का नाम है, इसके इंजेक्शन लगते हैं, चाइल्ड आपका वैक्सीनेशन होता है, और इसको सबसे पहले आविष्कार किया था ग्यूरिन कैल्मेटे ने, ठीक है। अब तो सब आंसर सही बता देंगे बिल्कुल, अब तो कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। आगे बताइए, एडवर्ड जेनर जो है चिकन पॉक्स के वैक्सीन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। बैंटिंग जो है वो डायबिटीज के साथ रिलेटेड है, और अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग आपका पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। एडवर्ड जेनर आपके किस चीज के वैक्सीन, चिकन पॉक्स के वैक्सीन के साथ संबंधित है, जो चेचक की बीमारी होती है, ठीक है, उसका वैक्सीन इन्होंने बनाया था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, स्मॉल पॉक्स वाला जो काओ वाला एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने किया था, ठीक है। अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग आपके किस चीज से रिलेटेड है, पेनिसिलिन के साथ रिलेटेड है स्टूडेंट, ठीक है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, हाँ जी, उसको इन्होंने बनाया था। बैंटिंग आपका डायबिटीज से रिलेटेड जो बीमारी है उससे रिलेटेड जो आपका इन्वेंशन किया था वो बैंटिंग ने किया था। देखो बैसिलस बैक्टीरिया से होती है बीमारी, आपका कैल्मेटे ग्यूरिन, दो नाम तो उनके साइंटिस्ट के ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ग्यूरिन कैल्मेटे, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये, और साथ साथ में जो अदर्स ये हैं वो भी लिख लीजिए साथ साथ में। हाँ डायबिटीज के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन, हाँ डायबिटीज मैंने आपको ब्रॉड टर्म साथ में लिख कर बता दिया, ठीक है। हाँ जी मनोज मीना, आपकी साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है, साइंस पर ही आ जाओ आप। हाँ जी, इधर देखिए आपका सवाल क्या है, द कंडीशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज वेरी लो, वह स्थिति जब आपके रक्त के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन शायद रह गया, वह स्थिति जिसमें आपके रक्त के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो काफी कम हो जाती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अच्छा क्यों नहीं आना है किसी को क्लास में, सरित पवार क्लास अटेंड करो, आपका बर्थडे सबका बर्थडे नहीं है, क्लास का आंसर करो। हाँ जी इंसुलिन, ठीक है, हाँ वो आपका बैंटिंग से साथ रिलेटेड, हाँ जी ऐसे करके आप याद रखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ साथ साथ में। हाँ जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है स्टूडेंट। जब आपके ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन घट जाती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जब बढ़ जाती है, ठीक है, हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जब आपके यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन के अंदर अगर ब्लड का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है तो उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहा जाता है। और निमोनिया आपकी किस चीज से रिलेटेड बीमारी है, या आपके लंग्स से रिलेटेड, आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ठीक है, निमोनिया। हाँ इस क्वेश्चन
का आंसर आपका है हाइपोग्लाइसीमिया। समझ आया? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाँ जी, आपके यूरिन के अंदर तो ग्लाइकोसूरिया प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए, अगला सवाल है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्लेग, विच ऑफ द ऑर्गन इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस डिजीज। जब किसी इंसान को प्लेग की बीमारी होती है तो आपका कौन सा अंग है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ठीक है, प्लेग की बीमारी का कुछ दिन पहले भी नाम आया था, रेड्स की वजह से ये बीमारी होती है, एपिडर्मिस होती है, महामारी होती है। तो इसकी वजह से आपका सबसे ज्यादा असर कौन से अंग पर पड़ता है? आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब पर पड़ता है, लंग्स पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, या फिर आपके इंटेस्टाइन पर पड़ता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, ब्लड शुगर लेवल अगर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन की मात्रा कम है, ठीक है, तभी तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। ग्लाइकोगन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है, तभी तो आपके ब्लड में शुगर जो है वो मेंटेन बैलेंस नहीं हो पा रही है। हाँ जी, रिलेटेबल फैक्ट्स हैं, ठीक है, कैसे भी करके आंसर कर लो, बात एक ही है जब। हाँ जी, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। प्लेग जो है, महामारी जो है, उसकी वजह से आपके शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इस सवाल का जवाब दो स्टूडेंट्स, क्या होगा? लंग्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हाँ जी नर्वस सिस्टम, हाँ जी नर्वस सिस्टम और आपके लंग्स में, नर्वस सिस्टम लंग्स में सबसे ज्यादा असर पड़ता है प्लेग की बीमारी का। देखिए, जो प्लेग्स की बीमारी है उसका सबसे ज़्यादा असर आपके लिम्फ नोड्स पर पड़ता है। लिम्फ नोड्स पर है तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन आपका क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उन्होंने प्लेग दिया है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर मतलब बी और सी दोनों ही सही हो रहे हैं, लेकिन जो क्लोजली एसोसिएटेड जो आंसर है इससे वो आपका लंग्स वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इसका आपको निमोनिक प्लेग की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। महामारी जो रेड से बीमारी हो रही है चूहों से, वो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली नहीं, वो आपके लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड्स पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर एसोसिएटेड हम बात करें तो डायरेक्टली किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कौन से अंग से एसोसिएटेड है, तो हम लंग्स की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम से नहीं। नर्वस सिस्टम में लिम्फ नोड से सिर्फ आपका एसोसिएटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बी लगाना है। ठीक है, यही चीजें होती है जहां पर डाउट्स हो जाते हैं। डाउट्स आपका ये है, ये लंग्स से ज्यादा अफेक्टेड है। अगला सवाल देखिए, हु इन्वेंटेड डीएनए, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, मैक कॉलम्स ने, या फिर रोनाल्ड रोज ने? इनमें से बताइए डीएनए का आविष्कार किसने किया था, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, और जिन्होंने डीएनए का आविष्कार किया था उसके अलावा अदर जो ऑप्शंस हैं, बचे हुए जो ऑप्शंस हैं वो किसके साथ रिलेटेड हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या क्या, इस सवाल का जवाब दो स्टूडेंट्स। पेस्टिस से, देखिए पेस्टिस आपका प्लेग जो होता है रेड से होता है, कुछ दिन पहले भी आपका एक क्वेश्चन था, क्लोरेला आपका कहां से रिलेटेड है, मलेरिया आपका कहां से रिलेटेड है, प्लेग आपका कहां से रिलेटेड है। बुबोनिक प्लेग की अगर हम बात करते हैं, पेस्टिस से
रिलेटेड है, वो आपका पेस्टिस, ठीक है, जो स्पीशीज है पेस्टिस, और वो आपका रेट से रिलेटेड है, और वो आपके किसको लंग्स को अफेक्ट करता है। इस सवाल का जवाब बताइए आप मुझे जो मैं अभी आपसे पूछ रही थी। डीएनए के साथ इनमें से कौन है जो डीएनए, जिन्होंने डीएनए का आविष्कार किया था, और अदर जो ऑप्शंस है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है। लैंडस्टीनर नहीं है सुशील, लैंडस्टीनर नहीं है, लैंडस्टीनर कैसे हो सकता है। क्लास पढ़ो, मन लगे चाहे ना लगे, क्लासेस अटेंड करो अच्छे से, और सेशन को लाइक भी करते चलो साथ साथ में, ठीक है। दीपक यादव आपने पहले, अच्छा मैंने स्लाइड को आगे स्विच किया था तो आपने अदर क्वेश्चंस देख लिए, उनको मत देखो, इस क्वेश्चन का आंसर दो जो सामने है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर लंबे समय तक, अगर आपका थायरॉक्सिन हार्मोन,
कमी से लंबे समय तक आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। आगे देखिए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम्स बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज। इलेक्ट्रॉन के आपसी योगदान या फिर साझाकरण द्वारा दो समान या फिर अलग परमाणुओं के बीच जो एक बॉन्ड बनता है, एक जो बंधन बनता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, या फिर आपका पाई बॉन्ड होता है? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। हाँ जी, T3, T4, TSH आपके तीन जो हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है। अभी उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो जाता है, इसलिए मैं जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना उनको एलिमिनेट करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है मैं सिर्फ आपको वही लिखा रही हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? आपके क्वेश्चंस मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहे हैं, आप क्या क्या पूछ रहे हो, कैसी आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है वॉइस क्या आपको? हाँ, और साथ में सेशन को लाइक भी करते चलो। देखो, जब बॉन्ड्स की बॉन्ड्स जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चाहे, ठीक है, एक जो आपका एटम है उसके पास ज़्यादा पावर है कि अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन को खींच के, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर ले, और एक जो आपका एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, बाहरी जो शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके साथ जो बॉन्ड है वो इतना मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना ले, ठीक है, तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जिसमें आयन्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एक पूरी तरह से लूज कर रहा है, एक पूरी तरह से गेन कर रहा है। तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका एलिमिनेट। कोवेलेंट बॉन्ड्स आपका शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर करके अगर दो एटम्स एक ही एलिमेंट के या फिर अलग अलग एलिमेंट के बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स के ही टाइप हैं, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, दो आपके ये जो शेल होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से अगर आपके सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं तो हम उनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपके डबल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और जिसमें आपके लोब्स इन्वॉल्व है, जो हम केमिस्ट्री का ये जो आपका टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे, जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स वाले चैप्टर्स फॉर्म करेंगे तब मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी, अगर वहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म है तो उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके ही दो एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस क्वेश्चन का ये है आपका आंसर। अगला सवाल देखिए, इधर देखिए, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, शरीर के किस अंग में लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं? हार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोन मैरो में, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, हार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में, कहां पर बनती हैं आपकी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर बनती हैं? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। Which wheat, barley and pulses are grown is
हाँ, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है और इन्हीं को एराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। हाँ जी, सवाल का जवाब दीजिए। फसल का मौसम जिसमें गेहूं, जौ और दालें उगाई जाती हैं, खरीफ सीजन, जैद सीजन, रबी सीजन या फिर खरीफ जैद सीजन, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, कल से आपके सेशन में दोनों जो ऑप्शन है मैं आपके हिंदी में भी इंक्लूड करूंगी और इंग्लिश में भी इंक्लूड करूंगी। हाँ जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपका है रबी क्रॉप्स। ठीक है, जो गेहूं है आपका, जो है और दालें हैं वो आपके रबी क्रॉप्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रबी फसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ जी एक चीज़ का ध्यान रखिए, कल आपकी जो क्लास होगी वो आपकी 11 बजे की बजाय 10 बजे क्लास होगी स्टूडेंट। ठीक है, कल आपकी क्लास जो है मॉर्निंग में 10 बजे होगी। 10 बजे से पहले हम जितना भी आपका एनिमल किंगडम का बाकी बचा हुआ है पहले हम उसको फिनिश करेंगे, फिर ताकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इतना बोरिंग भी नहीं होगा। एनिमल किंगडम को हम फिनिश कर लेते हैं और साथ साथ में हम उसके बाद आपकी जो थियोरी क्लासेज है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं उनका हम डिटेल थियोरी क्लास करेंगे। और जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन सेशन होंगे, ठीक है, क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि कल आपको 10 बजे एक्टिव होना है, 10 बजे आपको क्लास के लिए आना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 10 बजे आपकी क्लास होगी और साथ में आपका जो मिसलेनियस जनरल साइंस का क्विज है विद एक्सप्लेनेशन जो हम कर रहे हैं वो होगा। ठीक है, किस चीज का एग्जाम है परसों आपका? हाँ जी बताओ, चलो एक दो बार आपकी ये बातें सुन लेती हूँ। हाँ जी, कि किस चीज का एग्जाम है आपका? कल आपकी क्लास 10 बजे है स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं डेली जनरल साइंस की क्लास अटेंड करते हैं वो तो मुझे 10 बजे एक्टिव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इधर, और हाँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका रबी क्रॉप है। यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, कल हमको फिनिश करना है एनिमल किंगडम को, तो आप भी अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा, एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और डेली आपकी क्लास ये 11:15 होती है लेकिन कल 10 बजे, और आपको जो भी मेरे क्लास नोट्स हैं जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस बाय वर्षा से मिलेंगे। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, आराम से रहो। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।